दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल उषा की किरण में। दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की शानदार गाड़ी विंगर के बारे में, जो कि BS6 फेज 2 इंजन के साथ में कंपनी के द्वारा यहां पर लॉन्च की गई है। तो दोस्तों अब गाड़ियों के साथ में आपको ज़्यादा सेफ्टी, ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी और ज़्यादा मुनाफा देखने के लिए मिलता है, साथ ही आपका यहाँ पर कम्फर्ट भी काफ़ी एनहेंस हो जाता है। तो इस तरह की है दोस्तों विंगर गाड़ी, सामने से टाटा की ब्रांडिंग के साथ में आपको काफ़ी बड़ी क्रोम लाइनिंग दी गई है। नीचे आप देखेंगे दो हेडलाइट हैं जो कि हेलोजन बेस रहेंगे। यहाँ पर आप जो है इसके अंदर फोग लैंप भी लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। ये आपका ग्रिल एरिया हो गया, ये फाइबर का पूरा पोर्शन यहाँ पर जो है गाड़ी के अंदर प्रोवाइड किया गया है। आगे आप देखेंगे दोस्तों तो काफ़ी बड़ी आपको इसके अंदर जो है विंडशील्ड दी गई है, और ये जो है आपकी विंडशील्ड, इसको क्लीन करने के लिए दो वाइपर हैं। और साइड से अगर हम दिखाएं आपको गाड़ी तो आप देखेंगे काफ़ी बड़े इसके अंदर आपको ORVM दिए गए हैं, जो कि आप यहां से इसको इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकेंगे अंदर की साइड से। ये आपका डोर ओपनिंग लीवर हो गया, चाबी लगाने का ऑप्शन है। 15 इंची के आपको टायर मिलते हैं गाड़ियों के अंदर, जो कि आप देख रहे हैं 4 टायर के साथ में गाड़ी आती है। और काफ़ी अच्छा सस्पेंशन भी रहेगा, यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन मिलता है गाड़ी के अंदर। और सीटिंग की अगर हम बात करें दोस्तों तो 16 लोगों की बैठने की व्यवस्था है गाड़ी के अंदर, जो कि हम अंदर चल के आपको दिखाई देंगे। ड्राइवर का जो एरिया है वो अगर हम देखें यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हैं कि ड्राइवर का कंफर्ट का कितना ख्याल रखा है कंपनी के द्वारा। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह रख सकते हैं, पानी की बाटल रख सकते हैं, काफ़ी मजबूत हैंडल है, ट्रिमिंग काफ़ी अच्छी है। ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए अच्छा खासा स्पेस है, वॉक थ्रू स्पेस यहाँ पर आपको दिया गया है। ड्राइवर की सीट काफ़ी अच्छी है, आगे पीछे मूव कर सकते हैं। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है जिससे कि आपको यहाँ पर पसीना वगैरह नहीं आएगा, गर्मी के मौसम में आप कंफर्टेबली गाड़ी चला सकते हैं। हेडरेस्ट आपको हर सीट पर प्रोवाइड किए गए हैं एडजस्टेबल। आगे वाली रो के अंदर आपको यहाँ पर 3 सीट मिलती हैं, एक ड्राइवर सीट, एक मिडिल में और एक वो वाली सीट जिसको कि आप इस तरह से फोल्ड करके पीछे एंट्री ले सकते हैं। तो ड्राइवर की सीट को आप आगे पीछे रिक्लाइन मूव कर पाएंगे। ऊपर चढ़ने के लिए आपको यहाँ पर ये स्टेप भी दिया गया है। स्टीयरिंग काफ़ी अच्छा है, कारों के जैसा आपको फील कराएगा। और गाड़ी के अंदर आने के बाद में मैं आपको इसका जो डैशबोर्ड है वो दिखा देता हूँ दोस्तों। फुल्ली एयर कंडीशन ये गाड़ी है, ब्लोअर काफ़ी अच्छे हैं, 5-स्पीड ट्रांसमिशन का ये गियर शिफ्ट लीवर हो गया, यहाँ पर ये ब्लोअर हो गए, वहाँ पर आपको कुछ सामान वगैरह रखने के लिए और स्पेस मिल जाता है। डैशबोर्ड भी काफ़ी सुडौल है। म्यूजिक सिस्टम आप लगाना चाहें तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं रेडियो FM वगैरह। ये AC के कंट्रोल नॉब हो गए, दो आपको चार्जिंग ऑप्शंस मिलते हैं, ये पीछे लाइट को ऑन ऑफ कर पाएंगे। और छोटा सा स्टीयरिंग है दोस्तों, यानी कि आप जो है कार चला रहे हो ऐसा आपको फील होगा इस गाड़ी को चलाने के बाद में। और मैं इसका जो डिस्प्ले है आपको दिखाऊंगा ऑन करके, तो आप देखते हैं इस तरह का आपको जो है इसका डिस्प्ले दिखेगा, जहाँ पर आपका RPM मीटर, स्पीडोमीटर और बीच में आपको एक डिजिटल स्क्रीन दिया है जिसके ऊपर आपका ओडोमीटर, टाइमर, फ्यूल गेज, इंजन टेम्परेचर, डैफ का कितना लेवल है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर शो होती रहेगी। या आपके इको मोड मिल जाते हैं जिससे कि आप अपने फ्यूल की और ज़्यादा बचत कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है दोस्तों, विंगर काफ़ी अच्छी तरह से सेल होती है। इसके कई वेरिएंट आते हैं, पैसेंजर में भी आता है, कार्गो में भी आता है, तमाम सारे ऑप्शंस के साथ में आप जो है विंगर को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ड्राइवर के पास में ही एक हेल्प का बटन मिल जाता है, अगर आपको कभी कोई इमरजेंसी होती है तो आप इसको प्रेस करके हेल्प ले सकते हैं, कि आप टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल की डीलरशिप से कनेक्ट कर सकते हैं। सनवाइजर मिलते हैं दोनों ही साइड में जिससे कि आपको धूप में यहाँ पर धूप ना लगे, आप इनका इस्तेमाल कर सकें। वहीं दोस्तों अगर हम पैसेंजर को चढ़ने के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर आपको ये जो डोर खोलने के बाद में ये जो सीट है, इस सीट को इस तरह से आपको फोल्ड करना होगा, इजीली जो है ये फोल्ड हो जाती है यहाँ से, और यहाँ से आप जो है एंट्री लेकर के अंदर जा सकते हैं और अगेन इसको आप जो है फिर दोबारा से अपनी पोजीशन पे लाके रख सकते हैं। यहाँ इस डोर के ऊपर भी आपको यहाँ पर पानी की बोतल रखने के लिए स्पेस है, डॉक्यूमेंट होल्डर है, वही सारी ट्रिमिंग देखने के लिए मिलेगी। और अंदर का व्यू मैं आपको दिखाऊँ दोस्तों तो आप देखेंगे ये सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। और यहाँ पर दोस्तों अंदर का व्यू देखें आप, कि इसको एक जो है वैनिटी वैन के जैसा कंपनी के द्वारा बनाया गया है। ये आप देख रहे हैं आपका लगेज रखने का स्पेस है, पीछे भी आपका वेंट है, यहाँ पर भी आपके AC के वेंट है, यानी कि आप यहाँ पर अच्छी तरह से सामान रख पाएंगे। पीछे वाली रो के अंदर आप 4 लोग बैठ सकते हैं, बाकी रो जो है उनके अंदर आप जो है 2x1 की सीटिंग के साथ में यहाँ पर बैठ पाते हैं। तो AC गाड़ी है, फिर भी आपको यहाँ पर विंडो वगैरह के ओपन करने के पॉइंट दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसको नॉन AC ऑप्शन में भी चला सकते हैं। वैसे आपको इंडिविजुअल जो है हर सीट के नीचे की साइड में यहाँ पर जो है AC के डक वगैरह दिए हैं, जिससे कि आप इन वेंट्स का इस्तेमाल करके अगर आपको नहीं चलाना है तो आप वो ऑफ भी कर सकते हैं। पीछे वाली सीट के ऊपर आपको एक फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ पर भी मिलेगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं सीट्स के पास में, जिससे कि आप अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर सकें। और आपका आर्म रेस्ट है, सीट बेल्ट है, तो तमाम सारे सेफ्टी और कंफर्ट का ख्याल रखा गया है कंपनी के द्वारा अपनी BS6 फेज 2 गाड़ियों के अंदर।
तो ये दोस्तों आपको वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें। 100 HP की पावर के साथ में आने वाले इंजन के साथ में गाड़ी से आपको 200 Nm का टॉर्क मिलेगा और 11 से लेकर के 12 तक के एवरेज जो है आप जो है माइलेज की उम्मीद कर सकते हैं इन गाड़ियों के साथ में। ये आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में आपका फ्यूल टैंक यानी कि डीजल फिल करने का ऑप्शन है, साथ ही आपको यहीं पर जो है इसका डैप वगैरह फिल करने का ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी गाड़ी है और पीछे से अगर मैं आपको गाड़ी को दिखाऊं तो आप देखेंगे कि पीछे की साइड में भी आपको जो है इसके अंदर ये जो है आपको इमरजेंसी में खोलने के लिए एक एग्जिट मिल जाता है। यहाँ से आप अपना कुछ लगेज वगैरह भी रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें तो। यहाँ पर आपको टाटा की ब्रांडिंग मिलेगी और इसको मैं कर देता हूँ बंद। बंद करने के बाद में आप देखेंगे आपको इसके अंदर जो है पीछे की साइड में रिवर्स पार्किंग सेंसर वगैरह दिए गए हैं जिससे कि आप अकेले ही गाड़ी को जो है रिवर्स कर पाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस गाड़ी का वीडियो आपको अच्छा लगेगा। BS6 फेज 2 इंजन के साथ में कंपनी के द्वारा इन नई विंगर को यहां पर शोकेस किया गया था और कीमतों के बारे में दोस्तों आप जो है निकटतम टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल के शोरूम पर जाकर के जानकारी ले सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।